हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक है। मैं हूँ रिमी। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट सी कुशन कवर की डिज़ाइन। ये बच्चों को बहुत पसंद होगा। इसको कोई भी पीलो कवर या कुशन कवर के ऊपर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है और बहुत ईजी भी है इसको बनाना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऐसे पेंसिल से आउटलाइन कर लेना है। देखिए, आप पेंसिल को एकदम लाइट करके यूज़ कीजिए, ज़्यादा डार्क करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मैं यहाँ कैमरे पे दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी डार्क मुझे करना पड़ रहा है। एकदम हल्की, एकदम लाइट में दिखाऊंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप एकदम लाइट करके कीजिए। दोनों कैरेक्टर को करना है। मिकी माउस और एक शायद मिनी माउस। एकदम ध्यान से हल्के हाथ से कीजिए तो ये बहुत जल्दी बन जाएगी। एक्चुअली मेरे पास और ज़्यादा कपड़ा भी नहीं है और ये कुशन एकदम एक छोटी सी क्यूट सी कुशन है, तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो ये बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। एक बार आउटलाइन बन जाएंगे ना तो एकदम पेंट करना बहुत आसान होगा। और यह पेंसिल से पेंट करने के टाइम मुझे अगर थोड़ी मुझे लग रहा है या ठीक से नहीं हुआ, मैं बाद में कलर से उसको एडजस्ट कर दूंगी। ये देखिए, ऑलमोस्ट पेंसिल से आउटलाइन तो हो गई है। आप कोई भी कलर के कपड़े के ऊपर इसको कर सकते हैं, बट लाइट कलर के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्पेशली वाइट के ऊपर। ये देखिए, पेंसिल से हो गई है। और कलर के लिए आप ऐसे यह है फेविक्रिल की फैब्रिक कलर और यह है फेविक्रिल की एक्रेलिक कलर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। और यह फैब्रिक कलर ये मार्केट में आसानी से नहीं मिलेगी, ये ज़्यादा ऑनलाइन ही आपको मिलेगी और वो ज़्यादा अच्छा है कपड़ों के ऊपर, इसलिए मैं फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है एक्रेलिक कलर भी ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा होती है एक्रेलिक कलर से फैब्रिक कलर। और यहाँ मैं 0 नंबर के राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब ये मिनी माउस की देखिए, पहले ये हेड बैंड और ये इसके ये देखिए, यहाँ इसकी शू, ये दो पिंक कलर में बना रही हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। पहले आउटलाइन कीजिए, उसके बाद कलर को फिल कर लीजिए। अब यहाँ इसके ड्रेस के लिए मैं थोड़ी सी वाइट कलर पिंक के साथ मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ, इसको थोड़ी लाइट शेड बनाने के लिए। आप यहाँ बिना वाइट मिक्स करके भी आप पूरे पिंक कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगा सेम सेम कलर, इसलिए थोड़ी सी लाइट, मुझे लगा कि ये लाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने मिक्स किया है। अब ये देखिए, और दूसरे कैरेक्टर की ड्रेस को पेंट कर रही हूँ, ये मिकी माउस की। बट ये एक साइड की पिंक कलर अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही उसको कीजिए, नहीं तो क्या होगा, कलर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जा सकती है दोनों कलर मिलके। तो एक कलर स्टेप बाय स्टेप कीजिए, एक ड्राई हो जाए उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। अब इनके शू के लिए मैं यह गोल्डन येलो यूज़ कर रही हूँ। आप लेमन येलो भी यूज़ कर सकते हैं। अब फेस के लिए मैं यह फ्लैश टिंट कलर यूज़ कर रही हूँ। ये एक्रेलिक कलर है, फैब्रिक कलर में ये कलर नहीं है। एक्रेलिक कलर में बहुत सारे शेड्स है, बट फैब्रिक कलर में पता नहीं ज़्यादा शेड्स नहीं होती है। बट आप कलर मिक्स करके भी आप कर सकते हैं। दोनों के फेस के कलर सेम होगा, फ्लैश टिंट कलर से करना है। अब वाइट के साथ थोड़ी सी रेड कलर मिक्स करके
हल्की सी एकदम थोड़ी सी मिक्स करके भी इस कलर को कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम होगा। अब यह देखिए ब्लैक कलर पहले आउटलाइन कर लेना है ऐसे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहले पिंक कलर को अच्छे से ड्राई होने दीजिए, कोई भी कलर को, उसके बाद इसके ऊपर कलर कीजिए, नहीं तो कलर स्प्रेड हो जाएगी। और ये 0 नंबर राउंड ब्रश सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, मुझे बहुत, मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ, और ब्रश में अरोरा की यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है इसकी ब्रश, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत है। देखिए ऐसे आउटलाइन करना है, उसके बाद कलर को फिल करना है, बहुत आसान है। ऐसे छोटी छोटी वर्क अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब जब तक ब्लैक यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये कोई भी इनकी फिगर की कोई भी प्रोमिनेंट नहीं होगा, फेस हो या आई कुछ भी। देखिए इसके बाद ब्लैक यूज़ करने से ये कितना खूबसूरत होगा, बट ब्लैक यूज़ करने के टाइम बहुत ध्यान से कीजिए, छोटी सी मिस्टेक भी पेन को एकदम ख़राब हो सकती है, ख़राब कर सकती है, तो इसको बहुत हल्के हाथ से कीजिए। मैं यहाँ ब्लैक और 0 नंबर राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगर आप अगर आपके पास 3D आउटलाइनर है तब उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है तो, बट उससे मेरी उंगली में बहुत दर्द होता है ट्यूब से, तो मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ इसलिए। देखिए अब ये कितनी खूबसूरत लग रही है। আর যদি বাঙালি হও আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও আমাকে বলতে পারো, আমি বাংলাতেই তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব। আর আমার একটা ভ্লগের চ্যানেল আছে বাংলাতে, সেটা দেখতে পারো, আমি লিংক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। অ্যাকচুয়ালি মেরি এক ব্লগ কি চ্যানেল হ্যায় বেঙ্গলি মে মে ওহি বোল রহি থি, তো আপ চাহে তো উসকো ভি দেখ সকতে হ্যায়, লিংক মে ডেসক্রিপশন পে দে দুঙ্গি। थैंक यू सो मच आप सबके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, और आप सब जब ये पेंट डिज़ाइन देख के आप ट्राई करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप रिमीज वर्कशॉप ऐसे फेसबुक पेज है मेरी, तो उस पर आप शेयर कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे सारे कलर अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आउटलाइन कीजिए। जहाँ पूरे एकदम कलर को फील करना है मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो दिखाने में वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, आप सब बोर हो जाओगे इसलिए। और आपको किस टाइप की डिज़ाइन देखना पसंद है वो भी मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। और साड़ी के ऊपर पेंटिंग देखना है तो रिसेंट एक साड़ी के ऊपर पेंटिंग है, तो आप उसको देख सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत है, आप सबने बहुत पसंद किया उसको, थैंक यू सो मच, तो आप उसको देख सकते हैं। और ये आफ्टर पेंटिंग इसको कैसे मेंटेन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बट कैसे और भी लॉन्ग लास्टिंग के लिए और क्या क्या करना पड़ता है तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन पे है एक वीडियो की, आप उसको देख सकते हैं। इसको बस हैंड वॉश कीजिए, हाथ से वॉश कीजिए, इसको कभी भी मशीन के अंदर ना दीजिए इसको। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अब इनकी ये छोटी सी टेल, अब यहाँ ब्लैक आउटलाइन करना मैं भूल गई थी।
अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो। और कुर्ती के ऊपर, सूट के ऊपर और भी कुशन कवर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी। अब यहाँ ब्लैक कलर थोड़ी सी बाकी थी, मैं भूल गई थी, और यहाँ ये वाइट कलर देखिए एकदम एंड पे। यहाँ या शू के ऊपर और जहाँ फेस के ऊपर ज़्यादा ब्लैक ज़्यादा हो गई है वहाँ भी आप वाइट थोड़ी सी कर सकते हैं। अब ये गर्ल के ड्रेस के ऊपर थोड़ी सी डॉट डॉट इसको और खूबसूरत दिखाने के लिए, है ना, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये है आफ्टर कंप्लीट। सी यू सून, बाय, टेक केयर।